स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट गोल्डन ग्रामर का चैप्टर नंबर 36 कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 36 क्या है, क्राइज ऑफ एनिमल्स। ये स्टूडेंट आज हम क्राइज ऑफ एनिमल्स सीखेंगे, मीन्स जो एनिमल्स की आवाज होती है, जिस आवाज में वो क्राइज करते हैं या आवाज जो भी निकालते हैं उस आवाज को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए स्टूडेंट आपको क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट पिक्चर है काउ। ओके, अ काउ। सो काउ क्या साउंड निकालती है, मूज। काउ का जो आवाज होता है उसे हम इंग्लिश में मूज कहते हैं, मीन्स MOOS, मूज। सो अ काउ मूज। काउ क्या करती है, मूज करती है। सेकेंड पिक्चर है स्टूडेंट लायन। ओके, सो अ लायन रोर्स। यस, लायन क्या करते हैं, रोर्स करते हैं। A horse neighs, yes, NEIGHS, neighs. Horse क्या करते हैं, neighs करते हैं। ROARS roars होता है, so a lion roars, a horse neighs, a cow moos. A goat bleats, yes, goat की आवाज को हम bleats कहते हैं, BLEATS, bleats. A duck quacks, duck की आवाज को हम quacks कहते हैं, QUACKS, quacks. A dog barks, yes, dog की आवाज को हम barks कहते हैं। An elephant trumpets, yes, elephant के आवाज को हम trumpets कहते हैं। A cat mews, yes, जो cat की आवाज होती है उसे हम mews कहते हैं। A donkey brays, donkey की आवाज को हम ब्रेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 एनिमल्स के क्राइज आपको दिए हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। अ काउ मूज, अ लायन रोर्स, अ हॉर्स नेज, अ गोट ब्लीड्स, अ डक क्वैक्स, अ डॉग बार्क्स, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, अ कैट म्यूज, अ डोंकी ब्रेस। ओके, स्पेलिंग भी बहुत ईजी है, MOOS मूज हो गया। जब ओ साउंड आएगा स्टूडेंट, लाउड साउंड आएगा ओ का, तो हमें डबल ओ यूज करना है, तो एम से म साउंड और डबल ए से ऊ हो गया, और एस से स, सो मूज। रोर्स आर ओ रो, ए आर एस अर्स, रोर्स। नेज का है एन ई आई जी एच एस। ओके, नेज, यहाँ पे जी और एच हमारा आई जी एच साइलेंट है, तो ये हो गया नेज। ब्लीट्स, बी एल से ब्ल साउंड आता है, ई ए टी एस, ईट्स होता है, तो मिलके हो गया ब्लीट्स। क्वैक, क्यू यू ए क्वैक, सी के एस, क्वैक्स। सी और के दोनों से भी क क साउंड निकलेगा, तो ये हो गया क्वैक्स। बार्क्स, बी ए आर बार, और के से क एस से स साउंड, तो मिलके हो गया बार्क्स। ट्रम्पेट बहुत इजी है, टी आर यू एम, ट्रम हो गया, पीई टी एस, पेट्स हो गया, तो ट्रम्पेट्स। एमई डब्ल्यू एस, म्यूज, एमई मी डब्ल्यू एस से व और एस स, तो ये हो गया म्यूज। डोंकी ब्रेज, सो बी आर ए ब्रे, वाई एस एस, ब्रेज। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम देखते हैं। Cross out wrong the word in the bracket and put a tick mark right for the right words. Yes, जो भी इसमें से wrong है उसे हम cross out करेंगे और जो भी right है उसे हम tick mark करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर options है। First जो है हमारा sentence है a dog. तो dog क्या sound निकालता है student? क्या dog brays करता है या फिर barks करता है? Yes, a dog barks. देखिए यहाँ पे dog barks करता है, तो barks हमारा right answer है, तो हम इसे tick कर देंगे, और जो है ब्रेज वो रॉन्ग है, तो उसे हम क्रॉस आउट कर देंगे। नंबर टू, अ गोट। यस, गोट के साउंड को ब्लीट्स कहते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ब्लीट्स और ग्रंट्स, तो ब्लीट्स हमारा करेक्ट आंसर है, तो उसे हम राइट टिक करेंगे और ग्रंट्स को हम क्रॉस आउट कर देंगे। थर्ड, अ डोंकी। डोंकी का जो जो डोंकी का साउंड होता है उसे हम कहते हैं ब्रेज। सो ब्रेज और नेज यहाँ पर दो है, तो ब्रेज हमारा करेक्ट है, तो ब्रेज को हम टिक मार्क करेंगे और नेज को हम क्रॉस आउट करेंगे।
फोर है एन एलिफेंट, एलिफेंट ट्रम्पेट करता है, सो ट्रम्पेट्स को हम राइट टिक करेंगे और मूव्स को क्रॉस आउट करेंगे. अ डक क्वैक्स, डक क्वैक्स करती है तो उसे राइट टिक करेंगे और चर्प्स चर्प्स को हम क्रॉस आउट करेंगे. फिर अ कैट म्यूज, कैट म्यू करती है तो उसे हम टिक आउट करेंगे और जो रॉन्ग है उसे हम क्रॉस आउट कर देंगे मूव्स को. अ लायन रोर्स, यस लायन रोर्स करता है तो उसे हम राइट टिक करेंगे और बॉक्स को हम क्या करेंगे क्रॉस आउट कर देंगे. अ काउ, काउ क्या करता है मूव्स करता है, सो ये करेक्ट आंसर है तो इसे हम टिक आउट करेंगे और जो ब्रेज है हमारा रॉन्ग है तो उसे हम क्रॉस आउट कर देंगे. नंबर 9 अ हॉर्स, हॉर्स नेज करता है या ब्लेड्स, यस हॉर्स हॉर्स नेज करता है तो हम ब्लेड्स को क्या करेंगे क्रॉस आउट करेंगे और नेज को टिक आउट कर देंगे. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर नंबर 36 है क्राइज ऑफ एनिमल्स ये कंप्लीट हो गया है. सो आज आपने जो भी एनिमल्स के साउंड को सीखा है उसे लर्न करना है आपको कि कौन से एनिमल्स कौन सा साउंड निकालते हैं या फिर कौन से क्राइज करते हैं. सो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी, ये जो क्रॉस और टिक आउट है वो भी आपको करना है और आपको ये स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है. तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 36 क्राइज ऑफ एनिमल्स कंप्लीट हो गया है. स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच, बाय बाय.